दोस्तों नमस्कार। बीएसटीसी परीक्षा 2019 के अंतर्गत रिजल्ट जारी हो चुका है और अब काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी, यानी विद इन 5 दिन के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपसे कॉलेज भराए जाएंगे। उस समय आपसे कुछ गलतियां हो सकती है, आप उन गलतियों से बचें ताकि आपको सही तरीके से काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज मिल सके। सबसे पहले दोस्तों उसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही आपसे एक फॉर्म, यानी पहले आपने फॉर्म भरा था उसी प्रकार का फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको 10 या 15 कॉलेज भरने होंगे। जो आपके निकटतम कॉलेज है आप वो कॉलेज भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपसे 5 जिले मांगे जाएंगे, यानी आपके निकटतम 5 जिले आप उसमें भर दीजिए। तीसरे नंबर पर कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यानी तीसरे नंबर पर होता है ऑल राजस्थान का ऑप्शन, टिक करना या नॉन टिक, यानी भरना या नहीं, तो उसमें यस या नो पर कई अभ्यर्थी नो कर देते हैं यह सोचकर कि इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर ऑल राजस्थान पर क्लिक किया तो रास्ते में कहीं भी नंबर आ सकता है, यानी वो बाद की प्रक्रिया है। अगर आपने वहां पर अगर नो कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर 5 जिलों में नंबर नहीं आया तो आपका कैंसिल हो सकता है। अगर वहां पर आप यस करते आवर स्थान पर तो इसका मतलब यह होगा कि आपका पहले तो आपने जो 10 कॉलेज भरे थे आपका नंबर उन्हीं में आएगा, उसके बाद आपके 5 जिलों में आएगा। आवर स्थान पर यस ही कीजिए, अगर आपने आवर स्थान में दूसरे जिलों में अगर कॉलेज नहीं लेना है तो आप मत लीजिए, बाद में आपके उसमें कोई पैसे तो एक्स्ट्रा लगते नहीं कि आपको अगर यस कर दिया आपका कॉलेज आ गया तो आप कैंसिल करेंगे तो आपका इतना पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ मामला नहीं है। पहले आपने जो 10 कॉलेज भरे उसमें आएगा, अगर नंबर कम है उससे तो आपके 5 जिलों में आ जाए, उससे नंबर कम है तो आगरा स्थान में आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, आपको उसमें फॉर्म थोड़ा भरना होगा, उसमें आपकी डिटेल्स भरनी होगी, वो सही सही भरिएगा। उसमें आपकी कैटेगरी है या आपकी जो भी डिटेल्स है, नाम नेम वगैरह, वो बिल्कुल देख कर भरिए। आपने जो पहले भरा था वही अब भरिए। अगर आपको पहले वाले में कोई दिक्कत आ गई थी तो इसका मतलब आप उसमें दिक्कत मत कीजिए और उस सेम पहले भरा था वैसा ही भरिए। अगर दिक्कत आ गई तो आपके कॉलेज अलॉटमेंट के समय आपसे वहां पर स्टाम्प लग सकता है, लेकिन आपको वही सेम टू सेम वही प्रक्रिया आपको उसमें भरनी होगी। तो यह जो प्रक्रिया है, आप सेम जो आपने फॉर्म भरा था सेम वही नेम और कैटेगरी सेम टू सेम वही भरिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर गलती हुई तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द हो सकती है, तो इसका पूरा ध्यान रखिए। काउंसलिंग शुरू होते ही आपको जानकारी न्यू एग्जाम के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।